है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सिनेमा क्या था, हम यहाँ पे एडिटिंग कर रहे थे पूरे रात भर काम कर रहे थे। जो मेरे साथ में था देखो, वो तो अभी भी सो रहा है। देखो सो रहा है अभी भी, और मैं ज़्यादा देर नहीं सोया था। मैं रात को करीबन 3 बजे सोया था और 4 बजे उठ गया था। तो मुझे पता था काम करना है, तो काम किया पूरी रात भर। और फिर अभी फाइनल जाके देखो पूरा प्रोसेस हुआ है, अब थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर पूरी फिनिश हो जाएगी। फिर हम कहीं पर चलेंगे आज, हम आपसे मिलते हैं रेडी होके, देखते रहो बेटा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपने ननिहाल की ओर, और मौसम देखो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ये देखो कैसा हो रहा है मौसम, बड़ा सुहावना सा हो रहा है। और ये हमारी गाड़ी है, इसमें जाएंगे, और ये 2-3 पेड़ है ये भी साथ में ले जाएंगे। आप जो मैं कल वाले वो लोग मैंने आपको दिखाए थे वही लेके जाने, और कुछ सामान वगैरह रख देते हैं वो रख देते हैं। देखो गाइस ये गाड़ी में जाने के लिए रो रहा है, ये देखो वो नहीं ले जाएंगे तुझे। कैसे रो रहा है गाइस देखो। तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं ननिहाल की तरफ, गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये नानी में मैंने बहुत समझा। और ये बारिश भी देखो होने लग गई है, कार का जो शीशा है वो भी देखो कुछ इस तरह दिख रहा होगा आपको। ऐसे मौसम में जो ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा तो नहीं आती, हालांकि नॉर्मल आती है। देखते हैं कितनी तेज, अभी धीरे धीरे हो रही है मामूली सी, लेकिन कांच का जो शीशा वो पूरा ढक चुका है। तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं, तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। देखो गाइस यहाँ पर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, ये जो बूंदी वगैरह ये पहले की है। इसको वाइपर मार देता हूँ एक बार, अभी साफ हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हुई, वहाँ पे बारिश हो रही थी तगड़ी वाली। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, तो गाइस हम यहाँ पर पहुँचे ननिहाल, और यहाँ पर भी बारिश हो चुकी है। यहाँ पहुँचते देखो बारिश हो चुकी है, मैं देखा तो आपको कुछ इस तरह, ये देखो। तो चलो ठीक है अभी नॉर्मल है। तो फाइनली गाइस हमने नानी माँ को वहाँ पे अपने घर पे छोड़ दिया है, बोल रहे हैं अभी शाम हो चुकी है, करीबन 6:30 बजे का टाइम हो चुका है। और अब हम वापस गांव की तरफ जा रहे हैं, तो गांव की तरफ जा रहे हैं तभी भी बारिश मुझे लग रहा है कुछ होने वाली है, और माहौल तो ऐसा ही हो रहा है। मौसम वो आपको दिख ही रहा होगा कुछ इस प्रकार से है, यानी काफ़ी सुहावना सा हो रहा है मौसम भी, मज़ा आ रहा है स्कूल मिला के बाद देखा जाए तो। तो गाइस सामने का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है, और देखो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, देखो आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही, बूंदाबांदी टाइप कुछ हो रही है। अभी शाम का मौसम है और मौसम बहुत ही आला है, यानी मज़ा आ रहा है कुछ मौसम, ऐसे मौसम में गाड़ी चलाने का भी मज़ा आता है। मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, यकीन मानो कि कहीं लंबी ड्राइव करे तो और भी ड्राइव करे तो। और देखो सामने गाइस नानी माँ का तो छोड़ दिया गाँव में वहाँ पर, तो मुझे लगता है आज मेरा मम्मी का और दीदी का है वो मन कम ही लेगा घर के अंदर, क्योंकि नानी माँ चली गई ना, तो इतने दिन वो अच्छी अच्छी बातें करती थी, कहानियाँ सुनाती थी, तो कुछ और मन करता था, लेकिन अब तो कुछ नहीं। ये देखो किसी ने हाथ से रुकाया, पता नहीं कौन कौन काम पर जाओगे। हाँ कहाँ पे जाओगे, ये अब बैठ जाओ आराम से, हाँ इधर इधर हो जाओ पूरी, तो बस देखो ये जा रहे हैं। इन्होंने लिफ्ट मांगी थी, दीदी है तो जब आपसे कोई लिफ्ट मांगता है तो उसको दे देनी चाहिए, ताकि किसी की जो जल्दी पहुंच सके अपने घर की ओर। मुझसे तो जो भी मांगता है मैं उसको लिफ्ट दे देता हूँ, चाहे कोई भी हो, बस थोड़ा सावधानी ध्यान रखना, कभी कभी डाकू चोर वगैरह भी आ जाते हैं आपसे लिफ्ट मांगने के लिए, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वो तो आपको देखने से पता चल जाएंगे कौन है कौन नहीं, तो कोई अगर आंटी जी दीदी वगैरह मांगे तो उनको दे देना, या फिर कोई जो भी आपको लगे जेन्युइन है कोई पर्सन तो उसको भी दे देना चाहिए, पर थोड़ा सावधानी से सतर्क से, मैंने कभी कभी इससे काफ़ी सुने हैं। बस देखो आज भी बारिश का है कुछ ऐसा, तो मुझे अभी पता चला कि जब भी ज़्यादा बारिश होने के कारण जो धान वो फसल वगैरह वो काफ़ी ख़राब होने लगी है,
यानी कि जो उसके अंदर दाने हैं वो काले होने लग रहे हैं जैसे मूंग वगैरह के, और जो तिल वगैरह है वो भी जो सूख चुके हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का माहौल है। यानी लगातार 3-4 दिन हो गए बारिश ही बारिश हो रही है, तो ये फसल के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से बारिश रुक जानी चाहिए, पर ख्याल से कुछ नहीं होता, लेकिन रुकनी चाहिए अब तो, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारे भी हो जाएगा, आपके भी हो जाएगा, सबके हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही हाल है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे एक दो खेतों में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक दो खेतों में, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। सारे मतलब जो मूंग की फसल है या फिर दो बाकी भी फसल है उनको नुकसान ही हो रहा है, मतलब कि नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से, जैसे रात हो चुकी है, देखो पहुँचते पहुँचते करीबन 40 मिनट या 45 मिनट लग जाते हैं गांव से ननियाल आने में और ननियाल से गांव जाने में। तो देखो रात हो चुकी है, और रात में ड्राइविंग करना थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि जो लाइट होती है, जो देखो जी सामने वाली लाइट आ रही है ना, ये बिल्कुल आंखों में आती है, बिल्कुल आंखों में आती है, जिससे एक बार के लिए तो कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह की ड्राइविंग सबसे मस्त होती है, रात की थोड़ी थोड़ी हार्ड होती है अगर सामने से कोई व्हीकल आए तभी, बाकी तो सब सब सिस्टम ठीक है। गाइस हम गांव पहुंच चुके हैं, काफ़ी मज़ा आया ड्राइविंग करके रात को दिन में बारिश के टाइम में, और ननियाल जाके भी काफ़ी मज़ा आया, वहां से आने का मन ही नहीं करता लेकिन आना पड़ता है, क्या करें, अपने काम धंधे को संभालने के लिए आना ही पड़ता है, नहीं तो वो दुकान है, अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखो गाइस रात को इतनी सारी गायें रहती हैं यहाँ पर, ये देखो वहाँ पे गौशाला है लेकिन वहाँ पे कोई ले जाता नहीं है, बस यहीं पे ये गायें रहती है खुली आवारा। ये देखो सांड वगैरह गायें सब है यहाँ पर। गाड़ी के आगे आके आ रही है, देखो ये देखो, तू लेके आया कहाँ से लेके आया, खेत में से? अच्छा खेत में से लेके आया, खेत में से लेके आया, अच्छा चलो वीडियो बनाओ, वीडियो से बना लेते हैं। खेत में से आया, मुंह में क्या लॉलीपॉप? अच्छा और पानी आ गया वहाँ पे तुम्हारा कुएं में? अच्छा मीठा है या खारा है? मीठा है, क्या बात। तो गाइस मम्मी ने और दीक्षित ने गेट खोल दिया है, वो देखो कैसे वेट कर रहा है मेरा, इसको गाड़ी में बिठाते हैं चलो। बैठेगा गाड़ी में? अच्छा गाड़ी में बैठ जा, इधर बैठ जा, इस वाली सीट पे बैठ जाएगा, बैठ सीधा बैठ, सीधा एकदम बिल्कुल, हाँ सीधा बैठ, बस चले काम पर, चले काम पर, चले मुंह में क्या है, मुंह में, मुंह में क्या है, ये लॉलीपॉप है, क्या है लॉलीपॉप, लॉलीपॉप है, अच्छी लगती है, अच्छा इधर देख, बोलो हाय ऐसे, हाय हाथ ऐसे करके बोलो, हाय ऐसे हाथ ऐसे करके, ऐसे बोलो हाय, इधर देख के बोलो, इधर देख के, अब बोलो हाय ऐसे बोलो, हाथ ऐसे करके टाटा करके बोलो, टाटा बोलो, टाटा टाटा। हे गाइस आज की यात्रा बहुत ही अच्छी रही, ननियाल जाने में बहुत मजा आया, वहाँ से आने का बिल्कुल ही मन ही नहीं करता, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सभी के साथ में रहने का, मतलब वहाँ पे खाने पीने का, रहने का, खेलने का, सब कुछ वहाँ पे अच्छा, मन भी लगता है, आने का मन ही नहीं करता लेकिन क्या करें आना पड़ता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए। बाबू जी फिर सादा चीज लिया जाओ नाश करिए सारे, चीज मामू चीज ले दे, चीज ले दे मामू।